शिल्पा के देसी किचन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक रेसिपी तो जरूर बताऊंगी थेपले की, वो भी जो आपका बहुत फेवरेट है। बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि आपके थेपले बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप एक बार उस रेसिपी को अपलोड कीजिए। तो वो भी मैंने तैयार किया है, लेकिन पहले मैं आज आपको अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं आपका 2 मिनट का समय लेकर आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को पसंद किया, फॉलो किया, सबने उसे बहुत अच्छे से बनाया और सबका बहुत अच्छे से सब चीज़ बनी भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे भी आप मेरी रेसिपी को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे, मैं आगे भी आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करते रहूंगी कि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी सिंपल सरल तरीके से समझा सकूं और आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी अपलोड कर सकूं आप लोगों के लिए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए। ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिएगा, ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरी रेसिपी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हम चलते हैं अब आज की रेसिपी के लिए, थेपला जो बहुत सबको पसंद आएगा, जो सबकी डिमांड पर मैंने आज तैयार किया है। थेपले आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम स्पेशल थेपला। अभी ठंड है, वैसे ओनली गेहूं के फ्लोर से भी बन जाते हैं थेपले, लेकिन अभी ठंड में हम बाजरे का आटा, ज्वारी का आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा, ये सबको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हरी हरी सब्जियां मिक्स करके हम इन रोटियों को बना सकते हैं। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 आटे को मिक्स करके एक बहुत ही टेस्टी और यमी थेपला, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके लिए हमें लगेगा गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, बारीक कटी हुई मेथी भाजी और धनिया पत्ती और ग्रेट किया हुआ लहसुन, और खास इसमें लगेगी थोड़ी सी हींग और हमारे बेसिक मसाले। और मेथी भाजी को मैंने बहुत अच्छे से बारीक कट करके धो लिया है, एक बार इसे हम और धो लेंगे अच्छे से, और इसका फ्लोर अब हम तैयार करते हैं। इसका फ्लो एक सॉफ्ट डो तैयार करने के लिए हम लेंगे हाफ हाफ गेहूं का आटा और बाजरे का आटा। अब इसमें हम मिक्स करेंगे धनिया पत्ती और मेथी भाजी और ये ग्रेट किया और लहसुन, बारीक कटी हुई मेथी भाजी जिसे मैंने एक बार और धो लिया बहुत अच्छे से। आजकल सब्जियां पहले ही ऑलरेडी धो धो के रख रहे हैं, उसके बाद भी बारीक काट के बढ़िया एक बार और धो लीजिए आप मेथी भाजी को। ये हींग जो बहुत अच्छे फ्लेवर का काम करेगी, मिर्ची मिर्ची हल्दी, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नमक, और इसमें लगेगा थोड़ा सा 2 चम्मच जितना ऑयल, 1 चम्मच एक 2 चम्मच बस। अब इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं और उसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट रखने से ये बहुत अच्छा मॉइस्चर हो जाता है आटा, और उसके बाद हम बनाएंगे इसके थेपले, तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे जो बहुत टेस्टी लगते हैं, और हम इसे सफर वगैरह में भी जैसे 2 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ये थेपले खराब नहीं होते हैं। थेपले का डो तैयार हो गया है बढ़िया एकदम, इसे 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। देखिए आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आराम से बिला जाए। थेपले के लिए हमने तवा गरम रख दिया है, हमारा डो एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है 15 मिनट रखने से। इसके भी हम बढ़िया लोए बना लेंगे, पहले देख सकते हैं आप एकदम बढ़िया मॉइस्ट हो गया है ये। इसके भी हम वैसे ही जितने भी थेपले बनाने हैं उस पार्ट में इसे रेडी कर लीजिए, उससे क्या हो जाता है बहुत आसान काम हो जाता है हमारा। इस तरीके से हम फटाफट लोए बना के सारे रेडी कर लेंगे। थेपले भी हम इसी तरीके से बढ़िया, जैसे हम पराठे को सेकते हैं वैसे ही थेपले को भी सेक लीजिए। आप घी से, तेल से, कैसे भी सेक सकते हैं, वैसे ये ऑयल से ही अच्छे लगते हैं। इस पर ऊपर से घी लगा के आप खा सकते हैं बढ़िया ठंडे होने के बाद। बाजरे का आटा है इसमें, इसलिए ठंडा होने के बाद घी लगा कर खाने से बहुत अच्छे लगते हैं ये। इस तरीके से आप सारे थेपले को सेक सेक के बढ़िया
रख लीजिए। इसे 2 दिन तक रख सकते हैं, ये स्टोर करके भी रख सकते हैं, कहीं सफ़र में भी आप चाहो तो इसे साथ में ले जा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, लहसुन का टेस्ट भी है इसमें। लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे मिक्स कर दो, नहीं चाहो तो आप अदरक का पेस्ट, वो सब आप अपनी इच्छा से इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे थेपले बढ़िया सेक कर स्टोर कर लीजिए, कोई मेहमान आए तब भी आप इसे सेक कर रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे मिर्ची के अचार के साथ, चटनी के साथ, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी थेपले की, ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।